अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं चिकन तंदूरी बनाने जा रही हूँ मेरे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक, हल्दी, नींबू, और इसके अंदर मैंने चिकन का मसाला डाला है जिसमें गरम मसाले सारे हैं, उसका पाउडर और हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से कूट लिया था, उसे कूट के डाला है। आप देख सकते हैं हरी मिर्ची दिख रहा है ऊपर से। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने और चिकन का जो मसाला पैकेट वाला आता है वो मैंने इसमें डाला है। तो आप इसे मैरिनेशन करके 2 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद देखिए, हमने तेल रख दिया है गर्म होने, तेल हमारा गरम हो जाए तो हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसमें चिकन में अच्छी तरह वॉश करके कट भी लगा लिया था, कट लगा कर उसके बाद मैंने इसमें मसाला लगाया, और मसाला लगाने के बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया था। और अब माशाल्लाह बहुत अच्छा सा मसाला लग गया है। तो आप देखिए, इसे मैं फ्राई करूँगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, आप देखिए। तो अब मैं इसमें दोनों तरफ तवा चढ़ाकर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले मैंने एक तवे में रखा है, दूसरे तवे में दूसरा रखा है। इसी तरह से मैं, देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसे पलट दिया है, आप देख सकते हैं। मुझे धीमे आंच पर इसे करना है ताकि अंदर से पूरा चिकन हमारा गल जाए। इसे हम फास्ट फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, धीमे फ्लेम पे रखेंगे ताकि आराम आराम से पके। ये एटलीस्ट आधा घंटा पूरा लिया था पकने में। ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ हमारे चूल्हे पे पक रहा है चिकन तंदूरी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मैं पलट दूंगी दूसरे तवे का भी। ये देखिए कितना धीमे धीमे मैं बना रही हूँ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कलर इसका। अगर मैं फास्ट कर दूंगी तो ऊपर का पक जाएगा और अंदर का कच्चा रह जाएगा, इसके लिए मुझे इसे आराम से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर भी आया है और उतना ही ज़्यादा टेस्टी है ये। मैंने इसमें लाल मिर्ची का शामिल नहीं किया, मैंने इसमें लाल मिर्ची यूज़ नहीं किया है, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं है फ्रेंड्स इसे पकाने में, अल्हम्दुलिल्लाह से। और फ्रेंड्स, बस आधे घंटे बाद ये झट से तैयार हो गया। तो देखिए, मैंने इसे सर्व कर लिया है। ये देखिए, ये ककड़ी है, ककड़ी से मैंने इसे, ककड़ी, नींबू और टमाटर से मैंने इसे गार्निश किया है, और अदरक मैंने पतला पतला कटिंग करके छिड़क दिया है। तो माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा चिकन तंदूरी बनकर तैयार हुआ है, और खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा गल गया है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा गल गया और बहुत अच्छा सा बना था फ्रेंड्स ये। और इसके साथ में हमने लहसुन, मिर्ची और टमाटर की चटनी लिए थे, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था माशाल्लाह फ्रेंड्स ये। तो चलिए, आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और फ्रेंड्स, हमारी हौसला अफज़ाई ज़रूर करें और आप इस डिश को बना कर एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।